आबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से, फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूँ पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। बाद हम्द सलात मेरे नहायती वाजिब एहतराम उस्ताज़ मुहतरम और मेरे हम मकतब हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहु कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, ला तरफाऊ अस्वातकुम, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद ना हो, फ़ऊ का सऊतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद ना करो, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबाद, और ना तुम ज़ोर से बातें करो जिस तरह के तुम आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बातें करते हो, अंतह बता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें शऊरी ना हो, तुम्हें पता भी ना हो। इस आयत बय्यिना में अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहु अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के आदाब बता रहा है कि तुम जितने भी नमाजी हो, तुम परहेजगार हो, तुम जो कुछ मर्जी हो, तुम जनाब नमाजी हो, गाजी हो, जनाब साइमुद्दाहिर हो, जनाब काइमुल्लैल हो, हाफिज हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, वाइज हो, जनाब आलिम हो, तुम जो कुछ मर्जी हो, तुम्हारी जन्नत मुश्ताक हो, जो कुछ मर्जी तुम बन जाओ, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी होगी तो तुम जहन्नमी बन जाओगे, तुम जन्नत के काबिल नहीं रहोगे, तुम जहन्नमी बन जाओगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ज़रूरी है। जब ये आयत मदीना नाजिल हुई तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला को आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया, और हज़रत सय्यदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने हुजूर की बारगाह में कसम उठाई कि या रसूलल्लाह, उस जात की कसम है कि जिसने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है, मैं आज के बाद आपसे आहिस्ता बात किया करूँगा। और जब भी कोई वफद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता तो सय्यदना सिद्दीक अकबर आप एक शख्स को भेजते, उस शख्स उस वफद की तरफ कि जाओ उन लोगों को आदाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के आओ। और जो सहाबा जो पहले ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अदब किया करते थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब यह आयत नाजिल हुई उसके बाद वो ज्यादा मुहतात हो गए। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हो, ये कुदरती तौर पर इनकी आवाज़ बुलंद थी, ऊंची आवाज़ थी, जब इन्होंने ये आयत बय्यिना सुनी तो ये अपने घर में बैठ गए और दरवाज़ा बंद कर लिया और रोना शुरू कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर नहीं होते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि साबित किधर है, तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हजरत साबित जो है वो अपने घर में अपने आप को बंद करके बैठे हैं और ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बुलावा भेजा, और बुलावा जब हजरत साबित बिन कैस हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे ये अंदेशा हुआ, मुझे ये खौफ, ये खदशा लाहिक हो गया कि ये जो आयतें बजना है ये मेरे हक में नाजिल हुई है क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, उन्हें बशारत सुनाई कि ए साबित, क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि तू ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारे और तू अल्लाह की राह में शहीद हो जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो हजरत साबित बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैं इस चीज पर राजी हूँ, आपकी इस बख्शिश पे मैं राजी हूँ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो का जब दौरे खिलाफत आया उसमें मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करते हुए आप शहीद हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, आपकी बारगाह का अदब इतना जरूरी था कि अगर आपकी बारगाह का अब भी जरूरी है कि अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब नहीं होगा तो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, बंदे का ईमान खत्म हो जाएगा। अदब का हेस जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर,
नफस गुम गर्दा मी आया जुनेदो बायजीद आई जा। आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है जो अर्शे मुअल्ला से भी ज्यादा नाजुकतर है, और जुनेदो बायजीद जैसे बुजुर्ग जब मदीने की फिजा में दाखिल होते थे अपनी सांसों की आवाज रोक लिया करते थे। ऐसा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह का अदब हजरत इमाम मालिक ने कैसे किया? हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जब मदीने के बाजारों में चलते थे तो आप दरमियान में नहीं चला करते थे, आप हमेशा दीवारों को पकड़ के चलते थे और जनाब आप दीवारों को चूमा करते थे। तो हजरत इमाम मालिक से किसी ने पूछा, ए इमाम मालिक आप दीवारों को पकड़ के क्यों चलते हैं, आप दीवारों को क्यों चूमते हैं? तो आप फरमाने लगे, मैं दीवारों को पकड़ के इसलिए चलता हूं कि बाजारों में मदीने की गलियों में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हुए हैं, कहीं हुजूर के कदमों पर मेरा कदम ना आ जाए। इतना हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर का अदब किया करते थे। और हजरत इमाम मालिक से फिर किसी ने पूछा, आप चूमते क्यों हो दीवारों को? तो हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमान लगे कि मैं इसलिए जनाब दीवारों को चूमता हूं कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इन दीवारों को लगे होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब जरूरी है। फरमाते हैं, बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु जब अल्लाह की बारगाह हो तो दीवानगी से भी काम चल सकता है। अगर बंदा दीवानगी मस्तानगी में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो काम चल सकता है। फरमाया, बा मोहम्मद होशियार, कि जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है तो तुम्हें होशियार होना पड़ेगा, तुम होशियार हो जाओ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हजरत वीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन को आपकी जूती मुबारक को जूतड़ी कह दे, फरमाया वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और उलमा फरमाते हैं कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज्यारत हो रही हो तो बंदा कह दे कि यार बाली है, उसको देखने से क्या होगा? फरमाया वो बंदा भी ईमान से खारिज होगा क्योंकि उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की बेअदबी की है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब जरूरी है। बेअदब महरूम माने अज फजल रब, जो बेअदब होता है वो अल्लाह करीम के फजल से भी महरूम रह जाता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब जरूरी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की बारगाह का आपके अस्हाब का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।